बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग। आज के टीचर्स कुकिंग व्लॉग में शामिल है सूजी का हलवा बनाना, मखंडी हलवा, जो कि देसी अंडों के साथ बनाया जाता है। सूजी में सबसे पहले हम दूध शामिल करेंगे। आधा किलो मैंने सूजी ली है, दूध मैंने लिया है साथ। जितने में ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, हम वो उतना दूध शामिल कर लेंगे, चाहे वो आधा किलो हो चाहे एक पाव हो। अच्छे तरीके से सूजी इसमें डीप हो जानी चाहिए। थोड़ा सा दूध इसमें मैं अब और शामिल करूंगी ताकि ये सूजी जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। अंडे इसमें हमने अभी नहीं शामिल करने, जब ये सूजी अच्छे तरीके से फूल जाएगी फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। इसे हम कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करेंगे और उसमें शामिल करेंगे हम 4-5 इलायचियां, सब्ज इलायचियां। आधा किलो देसी घी लेना है आपने। ये मैंने 4 अंडे लिए हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूंगी। ये अंडे अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमने सूजी 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी दूध में। अच्छे तरीके से हम इनको करेंगे मिक्स। देसी घी हमारा गर्म हो रहा है, जब तक वो गर्म होगा हम इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसे देसी घी में शामिल कर देंगे। घी काफ़ी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें यह शामिल करने लगी हूँ सूजी जो हमने दूध में भिगो के रखी थी, और इसमें हमने अंडे जो थे वो भी शामिल कर लिए थे, वो भी फेंट के मिक्स कर लिए थे। जल्दी जल्दी से अब इसमें चम्मच चलाएं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। बहुत ही मज़ेदार दानेदार ये दलिया बनता है, सॉरी दलिया कह दिया मैंने, हलवा, मखंडी हलवा। मखंडी हलवा बनाते हुए आपने मसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे ना लगे, जले ना। कुछ लोग मखंडी हलवा इस तरह भी बनाते हैं कि पहले वो चीनी की चाशनी तैयार करते हैं, उसको अच्छे तरीके से ब्राउन करते हैं, फिर बाद में उसमें वो बैटर ऐड करते हैं सूजी और दूध का। इस तरह क्या होता है कि हलवा जल्दी बन जाता है, उनकी जान छूट जाती है। लेकिन इस तरह जो है बनाना चाहिए ताकि उसको अच्छे तरीके से आप उसकी बुनाई करो। हमने उस पर रंग नहीं चढ़ाना होता चीनी का, बल्कि उसे लाल करना होता है, अच्छे तरीके से ब्राउन करना होता है। इस तरह आप बनाएंगे तो आपका हलवा ज़्यादा लजीज बनेगा। लोग शीरे में इसलिए ऐड करते हैं सूजी वगैरह क्योंकि उन्होंने वो सेल करना होता है कमर्शियल लेवल पे, ताकि उसका कलर अच्छा आ जाए। हमने सेल तो नहीं ना करना, घर में खाने के लिए बनाना है, तो चीज़ जितनी अच्छी बनाएंगे उतनी ही वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छी होगी। हलवे ने घी छोड़ दिया है, अब मैं इसमें चीनी शामिल करने लगी हूँ। इसका कलर जो है वो भी बहुत ही अच्छा सा गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। तकरीबन आपने 1 पाव चीनी शामिल इसमें कर देनी है और साथ इसमें थोड़ा सा आपने दूध शामिल कर देना है। दूध सिर्फ 1/2 कप शामिल करना है ताकि हमारी जो चीनी है वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। जिस तरह हम इसमें पहले चम्मच चला रहे थे उसी तरह हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए, ब्राउन ब्राउन सा। ये हलवा हमारा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। देखें इसमें ये देसी घी जो डाला था हमने वो अलहदा हो गया है, बबल्स बन रहे हैं, और ये देखें कितना घी इसमें से अलहदा हो गया। अब इसमें हमने जो गिरी मेवे वगैरह शामिल करने थे वो शामिल कर देने हैं, फिर बाद में हम इसमें शामिल कर देंगे पिस्ता बादाम वगैरह, उसे हम फिर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। साथ में अखरोट की गिरियाँ कुछ, इनको अब मैं मिक्स करने लगी हूँ। बहुत शॉर्ट है,
ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मखंडी हलवा रेडी हो गया है। देखिए आप, एक एक दाना इसका अलग है, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में भी, हर साइड से देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है मखंडी हलवे की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स कुकिंग व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।